हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग एमसीक्यू बेस्ड केस सिनेरियो। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एमसीक्यू बेस्ड ऑन टॉपिक ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। तो लेट अस सी, क्वेश्चन इज गिवन। सो एबीसी लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट इन्वेस्ट्स इन डिफरेंट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज फॉर लिक्विडिटी एंड सर्टेनिटी। इट कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर एज ए गिवन अंडर बॉन्ड ए। बॉन्ड ए इज ए 12% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 फेस वैल्यू विद 5 years टू मेच्योरिटी एंड रीडीमेबल आफ्टर 5 years एट 10% प्रीमियम। इट हैज टोटल प्राइजिंग वैल्यू कैश इनफ्लो एट करंट YTM ऑफ ₹1,056 एंड टोटल टाइम वीकली प्राइजिंग वैल्यू कैश इनफ्लो एट YTM ऑफ 3696। सेकेंड बॉन्ड बी। बॉन्ड बी इज ए 12% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 फेस वैल्यू विद 5 years टू मेच्योरिटी एंड रीडीमेबल आफ्टर 5 years एट 10% प्रीमियम प्रोवाइडिंग YTM ऑफ 13.25% टू द इन्वेस्टर। करंट मार्केट प्राइस होगा बॉन्ड 1010 एंड नेक्स्ट इज बॉन्ड सी। बॉन्ड सी इज ए 9% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 फेस वैल्यू विद इनफाइनाइट मेच्योरिटी प्रेजेंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट एट ₹900। बॉन्ड डी इज ए 9% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 फेस वैल्यू विद 5 years मेच्योरिटी द YTM ऑफ द बॉन्ड 11% एंड करंट ईयर ऑन द बॉन्ड 9.723%। बॉन्ड ई एंड एफ। कंपनी एज इन्वेस्टेड ₹10,000 इन टू बॉन्ड्स ई एंड एफ इन प्रपोर्शन ऑफ 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। बॉन्ड ई इज ए 5 year जीरो कूपन बॉन्ड एंड बॉन्ड एफ इज ए 10 year जीरो कूपन बॉन्ड। So you are required to answer the following questions. Number one, what is the maximum duration of bond A? तो आपको बॉन्ड का ड्यूरेशन कैलकुलेट करने हैं। सो नंबर वन इज यू बॉन्ड ए। तो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए? उसका देखिए आपको क्या क्या मेंशन किया है बॉन्ड ए का। तो किसी के गिवन को भी 12% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 जीरो पीरियड में जब कंपनी परचेज कर रही है किसी 12% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 मेच्योरिटी इज 5 years लाइफ इज 5 year एंड इट इज गिवन दैट रीडीमेबल एट 10% प्रीमियम सो रिडेम्पशन वैल्यू इज 1100 एंड देन यू आर गिवन प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एट करंट YTM। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू दी है जो भी फ्यूचर के कैश फ्लो हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट YTM। क्योंकि वह प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैश इनफ्लो के एक YTM के बेस पे जिसे कहा गया करंट परचेज प्राइस बीजे गिनोटी आगे P0। ये आपको दे रखे हैं इसमें 1056 और एक आपको ये भी मेंशन किया है टोटल टाइम वेकली प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। टाइम वेकली क्या होती है आपकी, जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी टाइम पीरियड। तो ये भी आपको दे रखा है टोटल टाइम वेकली 3696। अब आपको ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए आपको प्राइजिंग वैल्यूज ली हैं तो आपने ड्यूरेशन का फार्मूला किया था। हमने ड्यूरेशन का प्राइजिंग वैल्यू के बेसिक फार्मूला होते हैं कि वो कैश इनफ्लो है पहले उसकी प्राइजिंग वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप एक YTM प्राइजिंग वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फिर उसको मल्टीप्लाई करना है उसके टाइम पीरियड से ईच ईयर जैसे फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर को सेकेंड ईयर से उसका कीजिए टोटल और उसको फिर आपने डिवाइड करना है टोटल प्राइजिंग वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से जिसे ड्यूरेशन। तो एक मीन्स ये भी आपको मेंशन किया है टाइम वेकली प्राइजिंग वैल्यू कैश इनफ्लो एक गेस एंड टोटल प्राइजिंग वैल्यू कैश इनफ्लो एक गेस। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। सो गेस टोटल एक 3696 डिवाइडेड बाय 1056। सो इन गेस केस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज कमिंग 3696 डिवाइडेड बाय 1056 जिसे 3.25 ईयर्स। तो ड्यूरेशन देखो एक्चुअली में शो करता है कि कितने टाइम पीरियड में आपका जो एवरेज कैश इनफ्लो है वो रिकवर होगा फ्रॉम एनुअल कैश इनफ्लो से। तो किसी कमिंग 3.5 ईयर्स लेट अस सी विच ऑप्शन इज बेटर। सो किसी ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो देन वी हैव अ सेकंड। नाउ देयर आस्किंग व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी। तो सेकंड में देखिए आपको कैलकुलेट करना है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी। बॉन्ड बी का देखो कैसा क्या था आपको मेंशन किया है जिसे 12% बॉन्ड ₹1,000 फेस वैल्यू 5 ईयर को मेच्योरिटी रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर है 10% प्रीमियम। उसमें भी आपका क्या था सेम है बॉन्ड बी जिसे जीरो टाइम पीरियड जिसे जो 12% बॉन्ड
ऑफ ₹1,000, लाइफ इज यू 5 ईयर्स, रिडेम्पशन वैल्यू इज 1,100, इट इज ऑल्सो रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, दिस इज गिवन, एंड जो वाई क्लेम इज ऑल्सो गिवन 13.25%, जिसने आपको वाई क्लेम दे रखी है 13.25%, मैच्योरिटी है आपके पास, एंड कुड इन्वेस्टर, करंट मार्केट प्राइस होगा बॉन्ड 1010, पर के प्राइस भी आपको दिया है P0, ये जो 1010। नाउ देयर आस्किंग टू कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ दिस बॉन्ड, आपको ड्यूरेशन कैलकुलेट करने हैं, तो आप देखिए इसमें कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास देखो लाइफ है और वाई टी एम है, कूपन रेट है आपका 12%, जो कूपन रेट का फार्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस केस में। तो लेके सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फार्मूला ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में देखो फार्मूला है 1+YTM/YTM, तो उसमें से फिर आपको माइनस करना है 1+YTM, एंड देन इट विल बी अवर प्लस सो एन इंटू कूपन माइनस वाई टी एम, देन इट यू होल अपॉन दिस यू कूपन इंटू 1+YTM रेज़ टू पावर एन माइनस वन सो प्लस वाई टी एम। जब आपको वाई टी एम लेते हैं और जो कूपन इंटरेस्ट है सी इसमें शो करके कूपन इंटरेस्ट, तो उसके बेस पे डायरेक्टली भी आप ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकती हैं, तो पुट करके वैल्यू वाई टी एम है आपके पास जिसे 13.25%, तो ड्यूरेशन विल बी 1.1325 अपॉन 0.1325 माइनस 1+YTM 1.1325, दिस इज प्लस एन है आपकी मेच्योरिटी विच इज यू 5 ईयर्स इनकू कूपन, कूपन इंटरेस्ट है आपका 12% माइनस 0.1325 एंड होल अपॉन दिस इज कूपन इनकू 12% इनकू 1+YTM 1.1325 रेज़ टू पावर विल बी 5 माइनस 1 प्लस वाई टी एम 0.1325। तो आप सॉल्व कीजिए, पहले फर्स्ट आइटम आपकी आ रही है 1.1325 डिवाइडेड बाय 0.1325, तो 8 पॉइंट, सो 547, सो 8.5472। नाउ वी हैव टू माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा, तो इट मीन 1.1325 माइनस, तो जैसे जो 0.12 माइनस 0.1325 ये आपका आ रहा है नेगेटिव इनटू 5, तो जैसे जो माइनस 0.0625 देन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर 1.1325 रेज टू पावर 5 2345 माइनस ये 1 माइनस 1 सो इनटू 0.12, ये जो वैल्यू आएगी उसमें कर लीजिए प्लस 0.1325, सो दिस फैक्टर इज कमिंग 0.236, सो नाउ वी गेट योर वैल्यू इज, तो इसको सॉल्व करके हैं पहले 1.1325 माइनस 0.0625 सो डिवाइडेड बाय 0.236 सो दिस इज 4.534, इतनी वैल्यू बनेगी 8.5472 माइनस 4.534, सो दिस विल बी अवर ड्यूरेशन, सो 8.5472 माइनस 4.534, सो ड्यूरेशन इज 4.0132। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज बेटर, नियर 4, सो दिस ऑप्शन इज अवर सी, सो आंसर इज योर ऑप्शन सी। नंबर 3 दे रहा हूँ, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड सी, तो आपका इसमें 3rd पॉइंट है, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड सी, तो अब देखिए आपको मेंशन किया है बॉन्ड सी के बारे में, बॉन्ड सी के 9% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 फेस वैल्यू विल इन फाइनेंस मेच्योरिटी प्रेजेंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट एट ₹900, क्योंकि ये 9% बॉन्ड है, 9% बॉन्ड ऑफ ₹1,000, उसकी लाइफ जो है वो इन्फिनिटी है, इट मीन जैसे परपेचुअल बॉन्ड, और फर्दर ये भी मेंशन किया है करंट प्राइस है बॉन्ड का P0 जैसे 900,
जो परपेचुअल बॉन्ड है उस केस में फार्मूला होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू 1 + YTM / YTM। और इस केस में जो YTM है आपकी उसका फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये परपेचुअल बॉन्ड है आपका, फार्मूला है एनुअल इनकम अपॉन परचेज प्राइस टाइम्स 100। तो एनुअल इनकम है आपकी 9%, 90 परचेज प्राइस है आपका 900 × 100, तो YTM देखिए 10%। बस आप अप्लाई कर लीजिए, सो 1 + YTM 1.10 / 0। तो फिर बॉन्ड ड्यूरेशन ही 11 ईयर्स, बुको जिसे परपेचुअल बॉन्ड। जब फोर्थ पॉइंट जरा सी वट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड जी, फिर आपको एक बॉन्ड जी दिया है फोर्थ, तो वी हैव टू कैलकुलेट वट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड जी। बॉन्ड डी का देखो डाटा मेंशन किया है, बॉन्ड डी 9% बॉन्ड ऑफ 1000 विद फेस वैल्यू विद 5 ईयर मेच्योरिटी, एंड YTM होगा बॉन्ड डी 11% एंड करंट ईयर 9.723%। तो उसका देखो डाटा ड्रॉ करके हैं, आपको मेंशन किया है किसी जगह 9% बॉन्ड, तो 9% बॉन्ड है आप ऑफ रुपीज 1000 आपको मेंशन किया है, एंड लाइफ इज 5 ईयर्स। आपको इसमें YTM भी मेंशन किया है, YTM ऑफ दिस बॉन्ड किसी गिवन को भी अवर 11%, और एक आपको इसके करंट यील्ड भी मेंशन की है, तो करंट यील्ड ऑन दिस बॉन्ड 9.723%। आपको फाइंड आउट करना है ड्यूरेशन। अब देखो आपको करंट यील्ड भी की है, YTM भी किया है, लाइफ भी की है, तो आपका ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ड्यूरेशन का करंट यील्ड के बेस पे। फार्मूला होता है करंट यील्ड, जिसको हम RC से शो कर रहे हैं, करंट यील्ड अपॉन YTM इनकू 1 + YTM इनकू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट YTM फॉर एन ईयर्स एंड प्लस आपकी ये 1 - RC अपॉन YTM इनकू लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स। ये दो फैक्टर्स हैं आपके, दिस फैक्टर एंड प्लस दिस फैक्टर, तो बुक करके हैं RC आपको देखो मेंशन किया है करंट यील्ड 9.72 × 0.9723, YTM इज गिवन 11% × 0.11 × 1.11। फिर आप देखिए 11% के ऊपर PV फैक्टर आपको चाहिए फॉर 5 ईयर्स, ये है आपका एनुटी फैक्टर, तो 1 / 1.11 फॉर 5 ईयर्स, एनुटी फैक्टर इज 3.696 प्लस 1 - 0.09723 अपॉन YTM 0.11 इनकू लाइफ इज अवर 5 ईयर्स। अब देखेंगे फर्स्ट पार्ट की कमिंग 0.09723 डिवाइडेड बाय 0.11 टाइम्स 1.11 टाइम्स 3.696, जिसे कमिंग 3.6263 प्लस नाउ यू गेट दिस फैक्टर 0.09723 तो डिवाइडेड बाय 0.11 -1 तो किसी कमिंग पॉजिटिव इनटू 5 तो किसी जो 0.58 तो दिस विल बी अवर ड्यूरेशन प्लस 3.6263 तो ड्यूरेशन ऑफ बाउंड्री 4.207 ईयर्स। You can see which option is our answer. In fourth, option B is our answer. इस केस में भी देख लीजिए, थर्ड केस में 11 ईयर्स है, तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज अवर आंसर 11। नेक्स्ट वी हैव अ फिफ्थ पॉइंट, ये रास्ता बट इज ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो बॉन्ड्स ENGF। अब आपको देखो बॉन्ड ईएफ का डाटा मेंशन किया है, कंपनी अगेन इन्वेस्टेड 10,000 इन बॉन्ड ENGF, 40% इन बॉन्ड ई एंड 60% इन बॉन्ड एफ, एंड बॉन्ड ई इज 5 ईयर 0% बॉन्ड एंड बॉन्ड एफ इज 10 ईयर 0% बॉन्ड। तो देखते हैं इसका ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो इन फिफ्थ पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स। पोर्टफोलियो तो सिंपली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बॉन्ड्स। उस केस में आपके पास दो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड ई एंड बॉन्ड एफ, तो आपको मेंशन किया है वेट, वेट होता है कितने परसेंट मनी आपने इन्वेस्ट की है, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच बॉन्ड, तो किसी गिवन 40% एंड 60%,
मीन्स इसका वेट बन जाएगा 0.4 and 0.6। फिर आपको कैलकुलेट करने हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ईच बोन्ड। उस केस में जो ड्यूरेशन है, ये दोनों ही बोन्स आपके जीरो कूपन बोन्स हैं। जीरो कूपन बोन में ड्यूरेशन होता है आपका इक्वल टू लाइफ ऑफ बोन्ड, एक में जितने उसके एन एन होती है लाइफ ऑफ बोन। तो आप देखेंगे बोन्ड ई है आपका 5 ईयर बोन एंड एफ इज 10 ईयर बोन, तो इसका ड्यूरेशन आ जाएगा 5 and 10। तो जीरो कूपन बोन का फार्मूला अप्लाई करके हमने ड्यूरेशन इज इक्वल टू लाइफ। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, लेके से पी को फार्मूला है ड्यूरेशन ऑफ आई एच बोन्ड इनटू वेट। ये बन जाएगा आपका वेट की एवरेज ड्यूरेशन, जिसे 5 × 0.4 + 10 × 0.6, तो जिसे कमेंगे 2 + 6, तो ड्यूरेशन ऑफ जिसे 8 ईयर्स। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर इज यू ऑप्शन सी। ये हमारा अच्छा केस सिनेरियो का, जिससे हमने डिफरेंट टाइप के फार्मूले डिस्कस किए फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बोन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया केस सिनेरियो ऑन ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।